नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के स्कूलों में नहीं होगी तीसरी से सातवीं क्लास की कॉपियों की जांच, इस पैटर्न पर अब होगी दो परीक्षा। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा एक से सात तक की परीक्षा JCERT की देखरेख में होगी, इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कक्षा एक से सात तक की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र JCERT तैयार करेगा। कक्षा तीन से सात तक अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा अलग अलग पैटर्न पर होगी। अर्धवार्षिक परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और वार्षिक परीक्षा लिखित होगी। कक्षा एक और दो के विद्यार्थियों का मूल्यांकन मौखिक होगा। प्रश्न पत्र का प्रिंटिंग निर्देश के अनुरूप DSE कार्यालय करेगा। कक्षा तीन से सात तक के विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर नहीं होगा। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन संकुल स्तर पर होगा। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन अपने संकुल के शिक्षक नहीं करेंगे। आप सबको जानकारी हो कि एक संकुल में 12 से 15 स्कूल होते हैं, ऐसे में अब कॉपी की जांच अपने विद्यालय के शिक्षक नहीं करेंगे। मूल्यांकन के बाद उत्तर पुस्तिका संबंधित विद्यालय को उपलब्ध करा दी जाएगी। प्रस्ताव को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री जगन्नाथ महतो और राज्य योजना अधिकृत समिति की स्वीकृति मिल गई है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में वर्ष 2020-21 के UDIS के अनुसार लगभग 40 लाख बच्चे नामांकित हैं। झारखंड में अगले कुछ दिनों में मौसम ले सकता है करवट, जानिए पूरी खबर। दिसंबर के आखिरी हफ्तों में झारखंड के मौसम में ठंडक के लिहाज से थोड़ी तेजी देखी जा सकती है। करीब हफ्ते भर के कड़ाके की ठंड झेलने के बाद से कल यानी क्रिसमस के मौके पर झारखंड के मौसम का मिजाज में बदलाव देखा गया। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों के मुकाबले ठंड में कमी महसूस की गई, जो आज कमोबेश बने रहने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले तीन से चार दिनों में झारखंड में शीतलहर का दूसरा दौर देखने को मिलेगा। शायद दिसंबर से आसमान में बादल छाने लगेंगे। वहीं मौसम विभाग ने आगे कहा है कि 28, 29 और 30 दिसंबर को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 29 दिसंबर को बारिश होने की सबसे अधिक संभावना जताई जा रही है। साल के अंतिम दिनों में झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भी देखने को मिलेगा और इस बीच होने वाली बारिश प्रदेश में सर्दी और गलन बढ़ा सकती है। चतरा बनने जा रहा है झारखंड का इंडस्ट्रियल हब, लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन के सराडू क्लस्टर का भाग्य बदलने वाला है। टंडवा प्रखंड के सराडू क्लस्टर के तहत आने वाले गांव खुशहाल होंगे। प्रशासन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन के तहत लघु उद्योग बिछाने जा रहा है। फिलहाल साबुन, सर्फ, अगरबत्ती और सेनेटरी नेपकिन निर्माण की योजना है। इसके अलावा दीदी कैब भी खोला जाएगा। झारखंड के KU में सत्र 2022 से खुलेंगे दो नए कॉलेज। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका और पटमदा प्रखंड में संचालित होंगे अंगीभूत महाविद्यालय, प्रक्रिया पूरी। नौ वर्ष पर पूर्वी सिंहभूम जिले को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दो नए सौगात मिलने जा रही है। इसके तहत जिले के पोटका और पटमदा प्रखंड में दो नए महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। कुलाहान विश्वविद्यालय यानी कि KU के अंतर्गत संचालित होने जा रहे इन दोनों कॉलेजों के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। पोटका में नए कॉलेज के लिए भूमि आवंटन किया जा चुका है। पटमदा में यह प्रक्रिया जल्द पूरी होने वाली है। पोटका में चिन्हित भूमि पर भवन निर्माण से पहले महाविद्यालय का संचालन हल्दी पोखर के विद्यालय भवन में किया जाएगा। कुलाहान विश्वविद्यालय की टीम ने नए कॉलेजों के लिए अपने स्तर से सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली है। झारखंड सरकार के उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्र के आलोक में विश्वविद्यालय की टीम ने दोनों प्रखंडों में सत्र 2022 से महाविद्यालयों के संचालन को अपनी सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। आप सबको बता दूं कि इन दोनों क्षेत्रों में सरकारी कॉलेज खोलने की मांग लंबे समय से हो रही थी। जुलाई 2022 से इन कॉलेजों में कक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी। झारखंड के इस सरकारी बीएड कॉलेज के 98 छात्र भविष्य के लेकर क्यों हैं चिंतित, आइए जानते हैं। झारखंड सरकार के अधीन चलने वाले बीएड कॉलेज कांके के 98 विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर पिछले एक साल से चिंतित है। NCTE से मान्यता नहीं रहने के बावजूद झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद द्वारा इन विद्यार्थियों का नामांकन लिया गया। अब जब परीक्षा देने की बारी आई तो रांची विश्वविद्यालय ने मान्यता नहीं रहने के कारण परीक्षा लेने से सरकारी बीएड कॉलेज कांके के मान्यता नहीं रहने से विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग से पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि मान्यता के लिए NCTE को पत्र भेजा गया है, लेकिन लगभग एक साल बाद भी मान्यता नहीं मिली। मान्यता नहीं रहने के कारण झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा 2021 के नामांकन में इस कॉलेज को शामिल नहीं किया गया। बीएड कॉलेज का संचालन फिलहाल माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा हो रहा है। बीएड कॉलेज को मान्यता नहीं मिलने से इनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, इससे विद्यार्थी बेहद ही परेशान है।
दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।